हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके फिर से हाजिर हो गई हूँ, और ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इन टिप्स का यूज करके फ्रेंड आप अपना समय तो बचाएंगे ही, साथ में पैसे की भी बहुत बचत होगी। तो फ्रेंड्स, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी काम होते हैं जो कि हमें हमारे लिए परेशानी बन जाते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपके सारे कामों को बहुत आसान कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की मेरी पहली टिप स्नैप्स को लेकर है, पिक्स को लेकर है। तो फ्रेंड, जैसे ये पासपोर्ट साइज पिक्स है मेरे पास, वैसे भी हम फ़ोटोज को एक मेमोरीज के रूप में रखते हैं, तो ये तो पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज है, और वैसे सिंपल भी फ़ोटोज भी होती है, उनको रखते हैं, और डेली तो हम उनको देखते नहीं हैं, तो उनको कुछ जब हमें याद आता है कुछ मेमोरीज देखने का, तब हमारा मन करता है तब हम देखते हैं। लेकिन इनको रखने के बाद इनमें फ्रेंड जैसे ये ना चिपक सी जाती है आपस में, और जब हम इन्हें निकालते हैं अजीब सी एक स्मेल सी भी हो जाती है। तो इस तरह से आप ना कोई भी टेलकम पाउडर ले लीजिए, और वो हल्का हल्का इन पर जो आपकी ये फ़ोटोज हैं उन पर अच्छी तरह से इनको इसको लगा दीजिए, और उसके बाद आप इसको रखेंगे तो बिल्कुल भी इनमें ना तो कोई स्मेल होगी, ना ही ये आपस में चिपकेंगी। जब भी आप इनको निकालेंगे तो आपको ये ऐसी ऐसी साफ मिलेगी। तो इस तरह से आप ये छोटी सी टिप है, इस वाली टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी रिबन को लेकर है। तो रिबन तो फ्रेंड जैसे हम बच्चों की स्क्रैप बुक बनाते हैं, या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई भी काम करते हैं, या कोई भी पैकिंग वैकिंग करते हैं, तो उसमें हम इसको यूज ही करते हैं। तो लेकिन इसको अगर उसको यूज करने के बाद इसको हम अगर ऐसे ही रख देते हैं तो ये ना खुला रहने की वजह से ये सारा खुल जाता है, और आपस में उलझ कर ये रिबन है जो हमारा ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल भी इस तरह फोल्ड करके ना रखें, कितना भी फोल्ड करके रखेंगे आप, ये थोड़ा सा सिल्की सी टाइप में होता है ना, तो ये इसलिए खुल ही जाता है। तो इसके लिए मैं आपको खास टिप बताती हूँ जिससे आपका ये रिबन बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आप ये देखिए, सिंपल सेलो टेप ही ली है मैंने, तो इसको सेलो टेप को लेकर आप इस पर देखिए जो इसी रिबन का जिसका मेन आगे का हिस्सा है उस पर इस तरह से आप लगा दीजिए। तो इसके बाद आप किसी भी तरह से कहीं भी रखेंगे इसको, आप बिल्कुल भी नहीं खुलेगा ये। जब भी आप इसको यूज करना हो आप इसको टेप को हटा दीजिए, और आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए फ्रेंड मैंने ये पानी ले लिया है। तो एक बाउल में हम पानी लेंगे, तो पानी का आज मैं आपको कैसे यूज बताती हूँ वो भी देखिए। तो पानी को आज हम चाकू से काटेंगे। तो चाकू से हम पानी को क्यों काट रहे हैं वो भी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, कई बार हमारे गले में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, या कई बार गले में कोई बाल चला जाता है, पता नहीं चलता, कुछ खाते हुए भी कई बार कोई चीज़ में बाल गिर जाता है तो वो भी चला जाता है, तो उससे हमारा गला ख़राब हो जाता है। या कोई चीज़ हम खाने के लिए रखते हैं जो उसको बच्चे वगैरह क्रॉस कर देते हैं तो भी हमारा गला ख़राब हो जाता है, और वह दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए आपको मैं खास टिप बताती हूँ। तो इस तरह से एक अपना बाउल में पानी ले लीजिए, किसी भी बर्तन में ले लीजिए, खुले बर्तन में, प्लेट में ले या किसी बाउल में, उसको ना चाकू से आप जैसे मैंने काटा है उस तरह से आप इसको काट लीजिए। जैसे हम प्लस का निशान बनाते हैं बस इसी तरह से हमें इसको काटना है। और उसके बाद आपके किसी बच्चे के गले में दर्द है उनको दे, या आपके खुद के गले में दर्द है तो उनको आप भी ले सकते हैं। तो अगर आपको जैसे मतलब बाल वगैरह आपके गले में चला जाता है उसकी वजह से दर्द गले में दर्द है, तो ये बिल्कुल इसको लेते ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही पुराना नुस्खा है जो कि हमारे दादी नानी के टाइम का है, तो आप भी इसको यूज कीजिए। अगर आपके भी गले में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो आपकी भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ये प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक नहीं होगी और इस वाले नुस्खे को करने से ठीक हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी और भी कमाल की है। तो फ्रेंड, किचन में हम ये चाकू छुरी और ये रखते ही हैं नुकीली चीज़ें, तो ये फ्रेंड इनकी जो ये नोक होती है, जो इनका नुकीलापन होता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए हमें बाज़ार में इसको नुकीला करने के लिए लेके जाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको खास टिप बताती हूँ जिससे आपको इसको मार्केट में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये देखिए एक कप में चावल ले लिए हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, बासमती चावल ले, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वही चावल आप ले सकते हैं। और इसमें चावल में देखिए, पहले हम इसको चावल को अच्छी तरह से इसमें भर लेंगे कप में, जिससे हमारे चाकू इसमें अच्छी तरह से डीप हो जाएं। तो उसके बाद ये जो चाकू है उनको हम चाकू छुरी को सबको इस तरह से चावल में डाल देंगे,
तो इस चावल में डालने से फ्रेंड इनकी जो ये धार होती है तेज ही रहती है, बिल्कुल भी कम नहीं होती है। तो इस तरह से आप डालकर रखेंगे तो ये वैसे भी किचन में रखे हुए भी अच्छे लगेंगे जब भी आपको इनको यूज करना है। तो यूज करने के बाद फ्रेंड इसको अच्छी तरह पोंछ के और सूखने के बाद ही चावल में रखें, नहीं तो ये चावल हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। तो मेरी इस आप छोटी सी टिप को यूज करके अपनी लाइफ को आसान बनाएं। तो चलिए चलते हैं मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये चावल के जो हम ये बैग आते हैं, चावल हम कई बार इकट्ठे ले आते हैं और इस तरह के बैग में चावल आते हैं, तो इस तरह से आप ये बैग होता है जो इसको खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कई लोग इसको खोल नहीं पाते और इसको कटिंग करना पड़ता है। जिससे इसका ये चैन वाला बैग है कितना अच्छा बैग है, अगर हम इसको कटिंग कर देते हैं तो ये हमारा ख़राब हो जाता है बैग। तो देखिए इस तरह से आप ना, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके जो चावल का ये कट्टा आप खोलोगे ये बहुत ही आसानी से आपका खुल जाएगा। तो इसके लिए आप देखिए जो इसमें धागा, ये इस कॉर्नर पे जो धागा लगा हुआ है इसको आप कैंची से थोड़ा सा काट लीजिए। ये छोटी सी टिप है और बहुत ही कमाल की है। तो उसके बाद देखिए इसमें से जो इसके अंदर धागे हैं ना एक दूसरे के अंदर पिरोए हुए होते हैं, तो इनको आप आसानी से देखिए निकाल लीजिए। एक दो धागे को निकालने के बाद ही आप इसको बहुत आसानी से खोल पाएंगे। अगर आप इस वाली टिप को देखेंगे तो आप भी आगे से इस तरह से चावल के बैग को बहुत आसानी से खोल पाएंगे। तो इसमें देखिए हम दोनों तरफ से जहाँ से निकाल के देख लेते हैं, जहाँ से हमारा धागा आसानी से निकल जाता है वहीं से हमारा बैग ये खुल जाएगा। तो देखिए इधर से ये निकल नहीं रहा है, तो देखिए मैं कैंची से इसको हल्का सा और यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो इसको कटिंग करने के बाद अब देखिए बिल्कुल ये आसानी से, यहाँ से हम खींच के देखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल ये अब ये देखिए खिंच गया है ना, निकल गया है ना, तो ये बिल्कुल आसानी से देखिए पूरा ये निकल गया है। तो इस तरह से आप भी जब भी अपने चावल के बैग को खोल रहे हो तो इस तरह से इस छोटी सी टिप को यूज कीजिए और आप आसानी से अपने बैग को खोल लीजिए। और फिर उसके बाद इस वाले बैग को आप धोकर किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, अपने कपड़े वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, सब्जी लाएँ कपड़े रखें। तो इस तरह से इस बैग को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और कैंची को यूज कर इसको धागे को काट कर आप इस तरह से अपने बैग को खोलें। तो है ना कमाल की टिप, जिसको नहीं इस टिप को का पता उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आपको अगर फ्रेंड आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं फिर फ्रेंड मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये आटे को लेकर है। तो जैसे कई बार फ्रेंड हम जब खाना बनाते हैं तो हम आटे को फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज से हम जब आटे को निकालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड होता है, टाइट होता है, जिससे हमें रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वह पहले हम तवे को तो गैस पर रखते ही हैं, तो उस वक्त जब हमारा तवा गर्म होता है, गर्म करने के लिए हम रखते हैं गैस पर, उस वक्त आप ये आटे के इसको कटोरे को या बाउल को आप इस तरह से तवे पर रख दीजिए जिससे ये हमारा आटा नरम हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी देखिए कितना नरम हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कि अभी हमने अभी इसको गूथा है। तो इस तरह से आप भी जब भी रोटी बनाने से पहले आटे को तवे पर ज़रूर रखें, जिससे अभी उसके बाद आप रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटियाँ बिल्कुल नरम नरम बनेगी और आटा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे अभी आपने गूथा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मेरे इस चैनल पर छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स एंड आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगती है फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रूर बताना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।